हे hey गाइस मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में और आज की हमारी गेस्ट हैं मिस पीहू सिंह नमस्कार एवरीवन मैं हूं आप सबकी अपनी पीहू यस आई होप आप सब अच्छे होंगे यस yes. और मैं आज आप के सामने पीहू का रियल फेस पीहू की रियल स्टोरी आप सबके सामने लेकर आने वाली हूँ आप जो पीहू को जानते हैं शायद आप वो जानते हैं जो पीहू आपको दिखाती है मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ जो एक्चुअली में पीहू है सो so, पीहू मुझे एक बात बताओ जी? जब पहली बार आपने लाइफ में डिसाइड किया कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था या उनको कन्विंस करना कितना टफ था और तब आपने जो डिसाइड किया था वहां से और आज में आप अपनी जर्नी को कहाँ देखती हैं देखिए सच बताऊं तो मेरा कोई शौक नहीं था आर्टिस्ट बनना कोई शौक नहीं था आ, एक कहते ना कि बाय चांस एक लग बन जाता है ऐसे कुछ घर की परिस्थितियां थी मैं नॉर्मली पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी बट सडनली मैं एक सच्चाई बताऊ सच है, सच बताओ, आ, मैं कहीं जॉब करती थी, और हुआ क्या था उस समय करीब मैं अठारह साल की थी तो आप देखे होंगे दो हजार अठारह उन्नीस के लम्सम में सत्रह में होता क्या था कि जो टीवी सीरियल वाले शो वाले जो होते थे वो एक पर्चा लगाते थे कचरे के डब्बे पे की जूनियर आर्टिस्ट क्राउड एक्टर्स उनको रिक्वायर होता था तो बारह घंटा का पंद्रह हजार सोलह हजार वगैरह में भी ऐसा लिखा हुआ होता कचरे के डब्बे पे हाईवे हाँ, हाँ, लगे हुए रहते थे तो मैं ऑफिस से आ रही थी हाँ, और सीन हुआ ऐसे ही झटके से मेरी नजर पड़ी जब मैं जॉब करती थी उसमें मेरी सैलरी थी मात्र बारह हजार में बारह घंटा जॉब करती थी आ, अचानक से मुझे जब आप सत्रह साल की थी मतलब सत्रह सोलह ग्यारहवीं सत्रह सोलह सोलह ये दो हजार सत्रह का घटना है तो मैंने देखा तो मैंने यार ये कौन सा काम है जिसमें एक दिन का बारह सौ रुपया है मैं शौक हो गई हाँ, और मुझे खुशी हुआ तो मैंने वो वहां पे छोटा सा मेरा उस वक्त छोटा सा फोन था इंडेक्स का निकला हुआ था मैंने फोटो निकाल लिया उसका और फिर दो दिन के बाद मैंने मम्मी को दिखाया हाँ। उस समय मेरी मम्मी बेड पे थी वो पेशेंट थी तो उन्होंने कहा कि ये कौन सा काम है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था एक्टिंग क्या होती है कुछ नहीं पता था कुछ भी नहीं तो फिर ऐसे मम्मी से पूछने के बाद उस नंबर पे मैंने कॉल किया वहाँ पे फ़ोन उठाने के बाद हाँ। बोले कि यहाँ पे एक्टिंग होता है एक्टिंग मुझे नहीं पता है एक्टिंग और जबकि आप लोकल बॉम्बे की है हाँ, तो की रहने वाली, फिर भी आपको नहीं मुझे नहीं पता है, है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर थे और मेरी मम्मी टीचर थी तो हमारे घर में दूर दूर मतलब एक्टिंग का कुछ लेना देना नहीं कलाकार कोई है ही नहीं है कोई नहीं था फिर uh, मैंने उनसे बात किया उनसे बात किया जब मैंने उनसे बात किया तो आपको पता है पोर्टफोलियो फोटोशूट ऑडिशन तो मेरे पल्ले नहीं पढ़ा यार ये है क्या क्या ये उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया मैं गई मिलने के लिए स्टार्टिंग स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि ठीक है सारी बातें हो गई हाँ। एक छोटा सा बताती हूँ आपको हाँ नहीं, बिल्कुल आराम से बताए <coughs> बोला कि आपका शूट करना होगा हाँ। जिसमें आपको अट्ठाईस हजार रुपया लगेगा ओके और मैं शॉप मैं बारह हजार रुपये और, और तुम कमाने के <coughs> देने नहीं गयो। <laughs> नहीं एक महीना में जो लड़की बारह हजार कमाती है वो मैं काम करूंगी, और हर मैंने आपको पे करूंगी। मैं, मैं, मैं पैसे नहीं दे सकती मेरी औकात नहीं हाँ, बिल्कुल ईमानदार होना बहुत जरूरी मुझे एक्टिंग कुछ पता नहीं था मैंने एक्टिंग सीखी नहीं थी कुछ आइडिया नहीं था और कोई गारंटी भी नहीं की पोर्टफोलियो तो, बनवा लो हाँ, तो तो काम मिल जाए वो पता नहीं दुनिया भर का कार्ड वार्ड जो आज हाँ, के डेट में हो कम्पल्शन खैर <laughs> कोई नहीं हाँ। तो सीन क्या हुआ कि मैं सारी बातें हो गई और मैं वहां से निकल गई ठीक है चार दिन के बाद मेरे पास कॉल आता है उस व्यक्ति का नाम था जफर पठान ओके। कास्टिंग वाला था और कोई छोटा मोटा डायरेक्टर था उनका कुछ अपना स्टूडियो वगैरह था है। तो नॉर्मली जो फ्रेशर होते हैं उनको तो चूतिया बनाने का इन लोगों ने कसम खा रखा है अपनी इंडस्ट्री में जो काट काट लो था, था, लो लो चाहे पैसों से कुछ और उनकी मार लो। ये तय है ये फिक्स है है <laughs> ऐसा होता है। हाँ। तो ये सारी चीजें हुई गई मैं चार दिन के बाद हाँ। छोटा सा मेरा एक फोटो शूट हुआ हाँ। और उस समय बसेरा स्टूडियो है हाँ जी तो वहाँ पे शूट चल रहा था मराठी सीरियल का ठीक है मुझे भेज दिया गया पहली बार मैं शूटिंग देखी ओके मैं मैं इसमें एक काफी फंड वाली बात बताती हूँ आपको हाँ। अच्छा लगेगा आप सब के मैं वहां पे गई ना हाँ। सोफा रखा हुआ था ठीक है तो क्राउड में गई थी तो मैंने यार इतना अच्छा सोफा क्यों नहीं मैं बैठ जाती हूँ करेक्ट बिल्कुल हाँ। बैठ सकती हूं बट वो सोफा नहीं था वो धर्मगोल का <laughs> मैं घुस गई उसके अंदर तुमने पूरी प्रॉपर्टी तोड़ दी <laughs> तो मुझे लगा यार प्रोड्यूसर तो पगला गया होगा और सभी लोग मेरी टांगे ऊपर और मैं घुस गई <laughs> तो प्रोड्यूसर भड़का या कुछ नहीं, नहीं, नहीं? किसी ने भड़का नहीं क्योंकि तो वहां पे ये हाँ अच्छे लोग थे और एक होता है ना जब हम नए नए होते हमारे सकल देख के पता चलता है क्या चल रहा है बंदी प्रेशर मेरे चुज्जू सा छोटा सा मुंह बन गया <laughs> तो आ, ओके ओके अरे क्या किया अरे कैसे हो गया क्या हुआ ये तो मैं बोली मुझे तो लगा ये सोफा है तो मैं बैठ गई तो इन लोगों ने बोला अच्छा ठीक है ओके कोई बात नहीं मैं सॉरी बोल के मैं निकल गई रूम में चली गई मैं फिर पर डे क्या दिया था आपको बारह सौ अच्छा मतलब जो बोला था वो बारह सौ दिया बट बार, उन्होंने ये कहा कि दो सौ हमारे होंगे हजार आपके होंगे तो अभी मैं खुश थी हर महीने का तीस हजार आ रहा है हो गई आ, मैं। कुछ काम पे नहीं करते कपड़े पहन के तैयार हो खड़ा होना है 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 खाना पीना सब मैं एकदम खुश हो गई चलो ठीक काम चल रहा तो अच्छा उसी बीच में एक कास्टिंग वाला मिला मुझे जिसका नाम था सूरज और उसने बोला नहीं उसका सर ने मुझे नहीं पता बहुत पुरानी बात है ठीक है यूपी से था वो तो उसने कहा कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो आपको एक्टिंग सीखनी होगी तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है हाँ। तब तक मुझे इतना समझ आ गया था कि यहाँ पे जो कुछ भी करना है है जो कुछ भी सीखना पैसे देने पड़ेंगे हाँ। ये मेरे अंदर हाँ। आ गया था मैंने उनसे कहा पैसे नहीं है तो उन्होंने बोला कि मैं आपका हेल्प करूंगा वहां पे पैसे आपको देने नहीं उल्टा पैसे मिलेंगे आपको वाह क्या था भाई तो वो था थिएटर अमेजिंग वो पुणे में मुझे भेज दिया गया और मैंने पुणे से थिएटर किया FTA? हाँ लगातार दो साल थिएटर करते हुए मैंने छोटे मोटे टीवी सीरियल में कैरेक्टर किए बहुत सारे ऐसे सीरियल कैरेक्टर्स किए और फिर उसी बीच में मुझे ऐसा लगा क्योंकि <coughs> मेरे इंग्लिश काफी वीक है तो नॉर्मली हिंदी बोलने में काफी कंफर्टेबल रहती हुआ मैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और मेरे को ऐसा था कि जब मैं इस लाइन में हूँ तो मुझे भोजपुरी करनी है क्योंकि उस बीच में मुझे वो ज्यादा दिख रहा था वो आपकी मातृभाषा भी है, है और मुझे करने में कहते ना हमें जो काम करने में मजा आता है मैं वही करना चाहिए तो मुझे वो अच्छा लग रहा था ठीक है। करना हाँ। तो मैंने अप्लाई किया एक दो जगह कास्टिंग वाले से बात किया धीरे हाँ। धीरे करते करते मुझे स्टेज शो मिलना स्टार्ट हो गया स्टेज शो मिलना स्टार्ट हो गया तो फिर मैंने भोजपुरी में जो एक्ट्रेस है जो भी है उनके साथ मैंने शो किया एक साल कंटिन्यू स्टेज शो किया

आपके पास सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में कि आप ये बोल्ड फिल्में करने लग गए ये हुआ ये था कि आज से बारह तेरह साल पहले मेरे पापा जा चुके थे और मेरी मम्मी कैंसर पेशेंट थी तो मेरी कंडीशन बहुत फाइनेंशियल बहुत ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड और बहुत सी सारी चीज़ें हुई घर भर बिक गया और लॉकडाउन आ गया आपको, ऐसी हो गए कि हम क्या किया जाए बहुत सारे ऐसे कास्टिंग वाले थे जो उन्होंने कहा कि ये कर लो वो कर लो बट वही होता है हम टीवी सीरियल करते हैं तो हमारे पास में कितना कोई पैसा देगा आपको पांच हजार पर डे दस हजार पर डे अगर आप वही बोल्ड वर्क करते हो तो वहा पे

मैं इतना काफ रही थी इतना काफ रही थी ना क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जो कभी भविष्य में विकनी पे नहीं आई थी विकनी शूट नहीं किया था कभी नहीं लेकिन पहली बार जब मैं सरल मेरी पहली सीरीज की सरला भाभी ओके okay. <laughs> और करने के बाद वो वायरल हुआ वहां से मेरी बोल वाली जो जर्नी थी स्टार्ट हुई और आपके दुआ से चल रही है आज तक So, दोस्तों जिन लड़कियों को या जो भी आर्टिस्टों का पर्दे पे देखते हैं तो कपड़े उतार रही हैं या कुछ कर रही हैं और आप लोग जज कर लेते हैं कि नहीं वो तो ऐसी ही होगी कभी आप लोग सोचते क्यों नहीं है कि कोई भी लड़की अपनी मर्जी से कपड़े नहीं उतारती उसकी कुछ मजबूरी होगी उसकी कोई परेशानी होगी तो इसलिए ये एपिसोड में लेकर आई हूँ और आज मैं <coughs> आप हमारे साथ आपको और भी चीजें बताती हूँ तो पीहू मुझे हाँ so, वायरल हुई तो जो लोगों को आपको देखने का नजरिया था क्या वो पहले जैसा था या वो अब बहुत गंदा गंदा गया बहुत गंदा इवन एक टाइम ऐसा आया था मैं बीच में मैंने सीरीज करना बंद कर दिया था करीब आठ नौ महीना नहीं किया था घर में ऐसे इशू आ गए थे कि एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे फांसी लगाना था ऐसा हो गया था क्योंकि मेरे घर में मम्मी पापा नहीं है और सॉरी दो भाई है मेरे और कहते हैं जब भाई बच्चे बराबर है तो वो मेरे हम उम्र है तो जब वो अपनी आंखों से अभी तो देख लिए हैं वो और जब उन्होंने देख लिया तो उनको फेस करना मेरे लिए कोई भी भाई बाप बहुत मुश्किल हो जाता है ये नहीं देखता है कि भाई हमारे घर का इज्जत है दुनिया देख रहा है उसे नंगा वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो ये सारी चीजें हुई थी तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था मुझे अनलिमिटेड लेकिन कहते हैं ना इंसान वही है जितनी बार गिरो हर हालत में उठ चलो चलते जाओ ऊपर वाले का साथ रहेगा तो आप चलते रहोगे और बाकी फिर उससे हुआ ना ऐसा कि इतने सारे ऑडियंस मुझे इतना प्यार दिए ना ये कट गया बस तकलीफ तो हुआ मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ मैं बता रही हूँ आपको एक टाइम ऐसा आया कि मुझे मैं सोची कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ ये सोचा लेकिन फिर मैंने कहा नहीं दो छोटे भाई हैं कौन आप यदि मैं ऐसा करती तो क्योंकि अभी अभी मम्मी मेरी 2020 हजार अगस्त को गई दो तीन साल ये तीसरे साल की रनिंग है तो मुझे नहीं लगा कि ऐसा करना चाहिए बट ये सच्चाई है कि जो बोल्ड आर्टिस्ट होते हैं हम जो सीरीज करते हैं तो लोगों का नजरिया बदल जाता है वो आपको काफी घिना घरानी से देखते हैं वो कि यार क्या है ये लेकिन खिलाने कोई नहीं आता फिर बट हाँ मुझे एक बात बताओ जैसे आपका जो बॉयफ्रेंड था जैसे आप बता रही थी आपका बचपन से एक बॉयफ्रेंड था जिसने आपको हर तरह से देखा होगा क्योंकि आपके सर स्कूल में बहुत अच्छा था अचानक से वो आपको छोड़ के चला जाता है फिर चीजें बदलती हैं वो क्या थी ये एक चुटापा था क्योंकि हम बचपना में साथ में पढ़ाई की है बचपना का जो प्यार होता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि वहाँ पे इंटीमेट होना जरूरी है जो एक बचपना में आपने हम सिस्टर सिस्टर हैं हमें आप बचपन से देख रहे हैं नंगा वो चीज़ें जो आपने फेस की है और अभी कोई थर्ड पर्सन देखता है तो उसमें आप में और उसमें बहुत फ़र्क होता है बिल्कुल होता है तो उसने मुझे बचपना से देखा उसको पता था मेरी आर्थिक स्थिति मेरे फैमिली के बारे में हर चीज़ इसके बावजूद भी अगर उसने कुछ गलत किया तो ठीक है ओके करने दीजिए मुझे इतना पता है कि मेरे घर का किचन मैं चलाती हूँ फ्रेंड या दुनिया नहीं चलाता है इसलिए ये तो क्लियर है कि कोई क्या बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं मेरे लाइफ में बहुत क्लियर हूं और ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि वेब सीरीज में मुझे इस हद तक पहुंचाया ना कि मैं सन लियोन को उनको पीछे कर दू <laughs> मैं नहीं कहूंगी कि मैं पौन करूंगी लेकिन हाँ जरूरी नहीं है कुछ चीजें ना दिख कर भी इतना कुछ दिख जाता है ना मैं उनकी बराबरी नहीं कर रही हूँ मैं मैं, मैं ये कर सकती हूँ अगर मुझे अच्छे तरीके से कास्ट किया गया तो मैं अपने आप पे भरोसा रखती हूँ कि मैं ऑडियंस को इतना खुश करूंगी ना कि उन्हें पीओ पीओ नजर आएगा बस क्या ही बोलू मैं आप लोगों को सो so, दोस्तों इसके आगे की बातें हम अगले एपिसोड में करेंगे